लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे क्या बात है प्रेम, बड़ा खुश लग रहा है तू आज। अरे मुझे बड़ी खुशी होती जब मेरे कमीने दोस्तों की बैंड बजती है। अरे कौन से कमीने दोस्त की बैंड बज गई यार? बजी नहीं है, बजने वाली है किशन की। हा? मैंने बॉबी को उसके ऑफिस भेज दिया। अरे अरे वो तो बड़ा शरीफ आदमी है यार। अरे आदमी कितना भी शरीफ हो लेकिन बॉबी जैसे फटाका को देख के ना उसकी शराफत तो डगमगा ही जाती है। चल हाथ धो लेते। वो तो है, बॉबी उसे शॉपिंग पे ले जा रही है। तो बड़ा एक कमीना है। क्या हुआ, इतना घबरा क्यों रहे हो? बीवी की तरह तुम्हारी जेब नहीं कटवाऊंगी। बीवी मैं थक गई हूँ, प्लीज घर पे चल ना। साउथ इंडियन ज्वेलरी शॉप वहाँ पे प्लीज। एक नेकलेस देखो। ये कैसा है? अच्छा पहनाओ। सामने की शॉप में देखते जा। क्या हुआ दीदी? मुझे लगा कि तुम्हारे भाई साहब किसी लड़की के साथ। दीदी तुम्हारी ये शक करने की आदत ना बहुत ज्यादा हो रही है अभी। हमेशा आपको लगता है कि भाई साहब किसी लड़की के साथ हैं। अरे आंखों से देखा है, दिमाग से थोड़ी सोच के बोल रही हूँ। चल चल तुम्हारे। हेलो सनराइज पब्लिकेशंस। सनी सनी मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? अरे मैं किशन। सर लेकिन आपकी आवाज कुछ अलग। सनी सुन, मेरे कैबिन का फोन मेरे मोबाइल पर ट्रांसफर कर। टेंशन क्यों ले रहे हैं आप सर? मैं हूं ना, मैं मैसेज लेता हूँ। मैं तेरी जान ले लूंगा, जल्दी से फोन ट्रांसफर कर वरना मैं तेरा ट्रांसफर करवा दूंगा। ओके सर, ओके ओके करता हूँ। थैंक यू। क्या कर रही हो? उनके ऑफिस में ही फोन लगाती हूँ। ऑफिस? गॉड। हाँ अभी पता चला। दीना दीदी। हेलो। हाँ किशन कहाँ हो तुम? पेरिस में, एफिल टावर से कूदने ही वाला हूँ। ऐसे क्यों कह रहे हो? और क्या करूँ, कहाँ फोन किया तुमने? ऑफिस में ना। अरे ऑफिस में नहीं रहूंगा तो और कहाँ रहूंगा? ए सनी गेट माय फाइल प्लीज। हाँ बोलो काजल, बहुत काम है मुझे। ठीक है ठीक है, तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए फोन किया, ऊपर से भड़क रहे हो। ओके बाय बाय। कहाँ है? वो ऑफिस में ही है। दीदी क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों? अरे काम मरवाने ले आई तुम, मेरी बीवी है यहाँ। अच्छा यही मैं सोचू तुम गायब कैसे हो गए। गायब तो अब होने वाला हूँ, अगर उसने मुझे देख लिया ना तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरह ये जो शॉपिंग सेंटर है ना तहस नहस हो जाएगा। सॉरी बाय। अरे किशन पता नहीं मुझे ये 2 लाख कमाने का कब मौका मिलेगा। वो बात है। क्या हुआ? ये तो इनकी गाड़ी है। अरे हाँ ये तो भाई साहब की कार है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है? इसका मतलब है कि इन्होंने मुझसे झूठ बोला है। हे, मर गया, मुझे बचा ले भगवान। हाँ जी बोलो, बुलाए मुझे। तुम्हें? हाँ भाई भगवान नाम है मेरा, अभी बोल रहा ना भगवान, बोलो क्या काम है। तुम्हें नहीं भगवान, मैं ऊपर वाले की मदद मांग रहा था। फिर ठीक है। हेलो। हाँ बोलो काजल। किशन तुम अभी भी ऑफिस में ही हो ना? आके देख लो यार। नहीं मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए थी। वो तो सिटी सेंटर के बाहर खड़ी है। क्यों? तुम्हारे लिए शॉपिंग करने गया था जान, वहाँ कार बंद पड़ गई, ड्राइवर को भिजवाया, आते ही होगा। हाँ बोलो कहाँ भिजवाऊँ ड्राइवर को? नहीं बाबा मैं खुद यहाँ सिटी सेंटर आई थी, तुम्हारी गाड़ी देखी इसलिए पूछ रही थी। कितना शक करती हो, पूजा क्या सोचती होगी? अरे मैं शक नहीं कर, तुम्हें कैसे पता कि पूजा मेरे साथ है? कितनी भोली हो तुम, कभी शॉपिंग अकेली करने गई हो इसलिए अंदाजा लगाया। अच्छा मैं फोन रखती हूँ। पहले बप्पी दो। मैं फोन रख रही हूँ किशन, बाय बाय।
हे भगवान। मालिक मकान ने मेरा बोरिया बिस्तर बाहर फेंक दिया, घर से निकाल दिया मुझे। उस पागल लड़की ने कहा कि मैं चंपा नाम की लड़की के चक्कर में सुसाइड करना चाहता हूँ। कौन है ये चंपा? जितना हंसना है हंस लो, बस अब ये बता देना मैं रहूंगा कहाँ। बेघर कर दिया उसने मुझे। अरे तू फिकर मत कर, तू वहां रह लेना। वहां कहाँ, घर के बाहर? अरे घर के बाहर नहीं, इधर आ, इधर आ, यहाँ नीचे मेरे गेस्ट हाउस में। कब से बंदी पड़ा है। ये लो, आज से ये घर तुम्हारा। यानी ये घर मेरा है सिर्फ रहने के लिए। भाई साहब, अरे 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 सॉरी भाभी, आप लोगों के एहसान तो मुझ पर बढ़ते ही जा रहे हैं, कैसे चुका पाऊंगा इतने एहसानों का बदला। सनी तू टेंशन मत ले, जरूरत पड़ी तो सूद समेत वसूल कर लूंगा। जान दे दूंगा भाई साहब, उफ करूं तो जान से मार देना मुझे। जान बाद में देते रहना, पहले साफ सफाई का इंतजाम करो, चूहे वगैरह बहुत है इसमें। चूहों से तो निपट लूंगा भाभी, डर तो बस उस चूहिया का है। ये देखिए हिचकियां शुरू हो गई हैं, लगता है मेरे बारे में जरूर कोई नया प्लान बना रही होगी। संजना वो देख, चंपा का आशिक। लगता है अपना इरादा बदल दिया उसने। अरे ऐसे लोग दुनिया को धोखा देने के लिए बाहर से खुश नजर आते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। Come on girls, चलो। Yes, please. चूहे मारने की दवा है। ये लीजिए आपकी चूहे मारने की दवा। थैंक यू। और वो डेटॉल साबुन भी दे। डेटॉल साबुन? डेटॉल साबुन में भी डेड ढूंढ रहा है, एक लाइफ बॉय नहीं खरीद सकता। पर ये रस्सी क्यों खरीद रहा है? अरे चूहे की दवाई धोखा दे जाए तो रस्सी से लटक के मर जाए, इसीलिए। थैंक यू, आते रहिए। तेरा घर मेरा घर, तेरा घर ये मेरा घर, मेरा घर मेरा घर। देखना ऊपर से क्या कर रहा है, उधर खिड़की से देखना क्या कर रहा है अंदर। अरे ये तो कुर्सी पे चढ़ रहा है, तू रस्सी लटका रहा है। ओह माय गॉड, क्या हुआ? ये तो अपने आप को फांसी लगाने की तैयारी कर रहा है। फांसी लगाने की तैयारी? क्या करे? क्या? अरे उधर जाओ, लोगों को बुलाओ, चिल्लाओ, यहाँ पे बहुत बड़ा सुसाइड हो रहा है। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो भाई? अरे क्या कर रहे हो? कौन है आप लोग? तुम्हारे पड़ोसी हैं। हाँ? मेरे घर के अंदर क्यों घुसा है? अगर तुम्हें कोई तकलीफ है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। ये गॉड का दिया हुआ अनमोल तोहफा है, इसे इस तरह से बर्बाद मत करो। मैं तजुर्बे की बात कर रहा हूँ, जो सुसाइड करते हैं मरने के बाद बहुत पछताते हैं। हाँ बेटे, मैं 75 साल और जिंदा रहना चाहता हूँ, और तुम इस उम्र में जिंदगी से हार गए। रे इसका डट कर मुकाबला करो। हाँ प्लीज, डट के मुकाबला करो। आप लोगों को ये सब कुछ इस लड़की ने बताया है ना? यस, इसी इनोसेंट लड़की ने तुम्हारी जान बचाई है। आखिर क्या चाहती हो तुम? मैं तो बस इतना ही पूछना चाहती हूँ कि तुम चूहे मारने की दवाई खाने वाले थे कि खा के बैठे हो। देखो तुम्हें आज मुझसे ये वादा करना पड़ेगा कि इसके बाद कभी भी सुसाइड करने की नहीं सोचोगे। बिल्कुल नहीं सोचूंगा, लेकिन मुझे किसी का खून करना है। खून? किस चीज से करूं? वो जो तुम्हारे पीछे हिरन के सींग पड़े हैं ना, किसी के भी पेट में डाल दोगे तो वो वहीं मर जाएगा। थैंक यू। मगर तुम्हें खून किसका करना है? तुम्हारा, तुम्हारा।
जेल चला जाऊंगा मैं। क्या भागी है? आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पकड़ी गई, पकड़ी गई। अब प्राण जाएगी बच के। तुम पागल हो गए हो क्या? नहीं, नहीं। मेरा दिमाग सही जगह से खिसक गया है। तुम्हारी वजह से पूरे शहर के सामने बदनाम हो गया हूँ। जहाँ भी जाता हूँ, लोग मुझे हमदर्दी से देखते हैं, कहते हैं ये वही बेचारा लड़का है जो सुसाइड करना चाहता है। जब मैं घर पे रहूँगा, मोहल्ले के लोग आते जाते मेरे घर के अंदर यही जाकर देखेंगे, मैं मरा या नहीं। यही तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ दुनिया भी तुम पे नजर रखे। मैं जो कुछ कर रही हूँ ना, तुम्हारे भले के लिए ही कर रही हूँ। बोल, आज के बाद मेरा भला सोचेगी कभी? मरते दम तक। क्यों? क्यों? इसलिए कि आज की दुनिया में अगर सुबह किसी की गर्लफ्रेंड मर जाए तो शाम को उसका बॉयफ्रेंड किसी और गर्लफ्रेंड की बाहों में होता है, और तुम हो कि चंपा के प्यार में अपनी जान देना चाहते हो। चंपा, चंपा, चंपा! देखा, उसका नाम लेते ही तुम्हें क्या होने लगता है? अरे, तुम जैसे लोग आजकल मिलते ही कहाँ हैं? तुम ही बताओ, इतना प्यार करने वाले पर क्या प्यार नहीं आएगा? I love you. आज तुम्हें क्या हो गया काजल? तुम्हारे प्यार में एक अजीब सी गर्मी है। तुम यहाँ? तुम्हारी बीवी को बाहर जाते हुए देखा तो सोचा ऐसा मौका फिर कब मिलेगा। आ गई अंदर। उसने के इस समंदर में एक बार गोता लगाकर तो देखो, डूब गए तो फिर कभी निकलने का दिल नहीं करेगा। तुम मेरे इतने पीछे क्यों पड़ी हो? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मुझे बड़े मस्त लगते हो। तुम जब मेरे सामने रहते हो तो मेरा दिल इतनी जोर जोर से धड़कता है। देखो देखो, मेरी बीवी आ गई ना तो तुम्हारी मौत तो पक्की है, मुझे भी जान से मार डालेगी। मर्द होकर अपनी बीवी से इतना डरते हो? डरता नहीं हूं, प्यार करता हूं उससे। हाँ तो करो ना, 24 घंटे में से 23 घंटे उसे दो, बस एक घंटा मुझे दो, मुझे तुमसे प्यार हो गया। टाइम भी बहुत हो गया, कभी भी आती होगी वो। घर आए मेहमान से ठंडा गर्म पूछने के बजाय भगा रहे हो, कम से कम एक गिलास पानी तो पिला दो। मैं अभी लाता हूं। कुछ भी तो नहीं। ये कोल्ड ड्रिंक किसके लिए लाए हो? किसके लिए मतलब? तुम्हारे लिए जान, तुम्हारे लिए। धूप में से आ रही हो ना तुम? एसी गाड़ी में धूप कहाँ लगती है? क्या हुआ तुम्हें? मुझे दाल में कुछ काला लगा। काजल, हम लोग तो सिर्फ पीली दाल खाते हैं, अब पीली में काला कहाँ ढूंढ रही हो तुम? और देखो, तुमने भी पीला पहन रखा है। कितनी प्यारी लग रही हो तुम, बहुत प्यार करने को जी चाह रहा है तुम्हें। किशन, ये अचानक हो क्या गया तुम्हें? अचानक नहीं, जानबूझ के कर रहा हूँ। You don't know how much I miss you, darling. आज मैंने बहुत मिस किया।